तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड ने 12 का यहाँ पर रिजल्ट जारी कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर सेंट्रल बोर्ड ने जितना भी स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड से 10+2 का एग्ज़ाम दिए थे उनका यहाँ पर परिणाम घोषित कर दिया है। ठीक है, तो रिजल्ट को कैसे चेक करना है इस वीडियो में बने रहिए, हम स्टेप बाय स्टेप बताने वाला है। तो दोस्तों मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह से नए नए वीडियो देखने के लिए। सीबीएसई बोर्ड का इस साइट पर चलेंगे। ठीक है, और साइट पे आने के बाद यहाँ पर देखिए cbse.gov.in इस साइट पे चलेंगे। इस साइट पे आने के बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर सर्वर 1 और सर्वर 2 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर सर्वर 2 पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, आप 1 पर भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। यहाँ पर सर्वर 2 पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपका इस तरह से 3 को यहाँ पर लिंक दिया जाएगा। ठीक है, लिंक 1, लिंक 2 और लिंक 3। ठीक है, अब यहाँ पर तीनों लिंक पर किसी एक पर क्लिक करके अपना देख सकते हैं। अगर मान लीजिए पहला नहीं खुलेगा तो दूसरा क्लिक करेंगे, दूसरा क्लिक नहीं करके तो तीसरा पर क्लिक करके देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम पहला पर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे पहला पर क्लिक किया तो आपका इस तरह से फिर से इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पर आपका देखिए ऊपर लिख रहा है सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन क्लास 12 रिजल्ट 2023। ठीक है, अब यहाँ पर आपको रोल नंबर डालना है। ठीक है, यहाँ पर आपको रोल नंबर डालना है, उसके बाद आपका स्कूल नंबर डालना है, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आईडी नंबर डालना है। ठीक है, आपका एग्जाम देते समय जो एडमिट कार्ड ले गए थे उस एडमिट कार्ड में सारा डिटेल आपको यहाँ से मिल जाएगा। रोल नंबर मिल जाएगा, स्कूल नंबर मिल जाएगा, एडमिट कार्ड आईडी मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सारा डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर, जैसे ही सबमिट पर क्लिक कीजिएगा तो आप नीचे आपका डाटा दिखा देगा। ठीक है, अभी मेरे पास डाटा नहीं है किसी का कि हम आपको फिल करके बता दें, बट आपका प्रोसेस सेम बता दे रहे हैं, लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। ठीक है, आपका सर्वर में प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब यहाँ पर ऑफिशियल साइट पर जाकर देखिए, साइट पर जैसे ही जाइएगा, इस साइट पर जैसे ही जाइएगा यहाँ पर सर्वर 2 में क्लिक करके जैसे फिर से इस तरह से लिंक आएगा, किसी एक पर क्लिक करके फिर से अपना रोल नंबर, स्कूल नंबर, आईडी नंबर डाल के रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।